हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ गाइस मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा एबीए लीग का बीयूडी वर्सेस केआरके के बीच 2 घंटे 49 मिनट बाद। तो एबीए लीग को तो भाई काफ़ी महीने बीत गए कि मैंने ये लीग कवर ही नहीं की। जैसे कि आपको पता है मैं नाइट फुटबॉल कवर करता हूँ और ये बास्केटबॉल भी आज ही कवर कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं फुटबॉल का मैं फुटबॉल लवर हूँ गाइस, मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। फुटबॉल जो भी फैंटेसी होती है और मतलब एक एक प्लेयर के बारे में पता है फुटबॉल के, तो उतना मेरे को बास्केटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पूरा स्क्वाड वगैरह इकट्ठे किए, स्टेटस इकट्ठे किया और मैं आपके सामने आया हूँ ये टीम लेकर। तो बात करूँ इस मैच की, फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी। अगर मैंने अभी शेड्यूल पोस्ट किया है, मैंने शेड्यूल पोस्ट कर दिया है, शेड्यूल में लिखा है कि अगर मेरे पास लाइनअप्स आती हैं तो टीम एज सून एज पॉसिबल आपको दूंगा। तो आज तो बिल्कुल मतलब एक मैच कवर किया सिर्फ मैंने सुबह से, क्योंकि क्या है कि आज फुटबॉल है नहीं, दिल नहीं लग रहा। उसके बाद अभी स्टार्ट होने वाले फुटबॉल अभी कुछ आधे घंटे या 45 मिनट में, तो वो दोनों कवर कर रहा हूँ। फटाफट आकर जुड़ो, और आज ऑफर भी चल रहा है क्रिसमस का 12 बजे तक, तो मिस मत करना प्राइम ऑफर। तो चलते हैं आगे, और आगे से बात करूँ गाइस नेक्स्ट प्लेयर की, बीयूडी वर्सेस के आर के। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम वॉन करेगी? तो मेरा जो दिल कह रहा है गाइस, जो इसमें वॉन कर सकती है वो केआरके भी कर सकती है, क्योंकि केआरके के पास 3 ऐसे नब्ज़ प्लेयर हैं जो कि भाई कुछ भी कर सकते हैं। और आगे से बात करूँ पॉइंट गार्ड की, यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर जिसका नाम है रॉक, जो कि गाइस ये जो आप देख रहे हो 16 पॉइंट 19 पॉइंट, अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या खेल रहा है। लेकिन आपको बताऊं, इस लीग को सीबीए लीग से कवर करोगे, एनबीए से कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं होगा, एंड में आप लॉस कर जाओगे। क्योंकि इसमें अगर एक बंदा 20 पॉइंट भी दे रहा है ना, तो वो राजा है, किंग। मतलब अगर बंदा आपको एक 20 पॉइंट भी दे गया ना, तो समझो कि भाई वसूल लिया मैंने। अगर आप सोचोगे कि 35 पॉइंट चाहिए 40 चाहिए एक प्लेयर से, वो इम्पॉसिबल है। इस लीग में इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है लेकिन मुश्किल है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एन बैरिक। अब एन बैरिक ने पिछले मैच में 23 पॉइंट्स दिए, और इसके 23 पॉइंट्स जिसके टीम में भी होगा ये, तो वो वॉन किया होगा, क्योंकि 23 पॉइंट इस बास्केटबॉल सीरीज में इकट्ठे करना ताकत लगती है पूरी। और आगे से बात करूँ शूटिंग गार्ड की, यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर का नाम है रॉडेरिक। रॉडेरिक मेरे को सबसे बढ़िया प्लेयर लगा पूरी टीम में, केआरके की पूरी टीम में। शूटिंग गार्ड में इससे बेस्ट प्लेयर कोई है ही नहीं। और वही सेम दूसरी टीम का हाल है जे कॉब्स। जे कॉब्स को बहुत ताकत लगाई लेने की, इतने से ज़्यादा क्रेडिट मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन हाथ में भाई ये हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जे कॉब्स जस्टिन कॉब्स का रिकॉर्ड अपरंपार रिकॉर्ड है। और जीएल के लिए ये बंदा डेंजरस है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इफ़ यू आर प्लेइंग मिनी जीएल या फिर जीएल खेल रहे हो तो कॉब्स को एज अ कैप्टन अपनी टीम में एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं आपको देखो राय दे रहा हूँ, लेकिन मैं स्मॉल लीग में ले नहीं रहा क्योंकि क्रेडिट इशू है, क्या पता मैं ले भी लूँ, क्योंकि एंड में लाइनअप सही दिल लग गया। अगर ज़्यादा पता चल गया कि 32 से 33 मिनट भी खेल रहा है, तो जे कॉब्स आपको मेरी टीम में दिख जाएगा। और ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ले भी लूँगा मैं इस प्लेयर को, अभी नहीं लिया क्योंकि अभी इसका स्क्वाड में नाम है, लाइनअप्स अभी एक्सपेक्टेड आई हैं उसमें दिख नहीं रहा, दिखा तो है लेकिन एक्सपेक्टेड है, जब प्रॉपर लाइनअप्स आएंगी बाद में लूँगा। और आगे से बात करूँ स्मॉल फॉरवर्ड की, एम एजिम, वही सेम का मैजिम का है। अगर आप देख रहे हो क्रेडिट्स, जैसे कि 12 क्रेडिट का है तो नहीं लेना, वो छोड़ दो, क्योंकि जो बंदा ओपनिंग फाइव में होगा उसके अंदर कुछ ताकत होती है। कई लोग कहते हैं भाई ओपनर फाइव नहीं देखने चाहिए, स्क्वाड देखने चाहिए, स्क्वाड नहीं दे, मैं आपको यही बोलूँगा ओपनर फाइव पे ध्यान दिया करो। कभी भी आप स्क्वाड से टीम बनाओगे 100% कह रहा हूँ आपका सच्चा 50% टीम लॉस जाती होगी अगर आप स्क्वाड देख के टीम बनाओगे। अगर लाइनअप्स देख के बनाओगे ना, तो आप 80% वॉन करते होगे बास्केटबॉल में, और ये मैंने खुद पे आजमा रखा है जीएल में भी एसएल में भी। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है एडिन ब्रेबक। एडिन ब्रेबक एक मतलब नॉर्मल प्लेयर है, ये प्लेयर ऐसा है जैसे कि ये स्टार्टर फाइव में आ भी गया तब भी इसने 12-15 पॉइंट देनी है, स्टार्टर फाइव में ना भी आया एज अ सब्स्टिट्यूट भी खेलेगा तब भी 12-15 पॉइंट, तो इस प्लेयर में ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे से बात करूँ पावर फॉरवर्ड की, नेक्स्ट प्लेयर जो कि है मीहा। मीहा का क्या है, आपको दो प्लेयर दिख रहे होंगे, एक मीहा दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा जे एस की फिफ, इन दोनों में से कोई एक बंदा स्टार्टर फाइव में आपको दिख सकता है शायद, वो भी क्योंकि ये थोड़े लो प्लेयर्स में आते हैं अपनी टीम की तरफ से, टॉप के हैं लेकिन हमारे लिए थोड़े लो लग रहे हैं। तो आप इसकी जगह ना एक प्लेयर ट्राई कर सकते हो, अगर मीहा आज के मैच में स्टार्टर फाइव में नहीं आता तो यू कैन ट्राई, इसकी जगह ट्राई कर सकते हो डी निकोलिक को। क्योंकि निकोलिक मैंने अभी नोटिस किया जब मैं टीम बना रहा था कि पावर फॉरवर्ड में एक ही प्लेयर है जो टॉप का है इस टीम का, बीयूडी का, जो का है डी निकोलिक। ये ना हो डी निकोलिक हमारी टीम में ना हो और आपकी टीम डाउन 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 जाती रहे, इसलिए निकोलिक अगर स्टार्टर फाइव में आता है देन यू कैन ट्राई योर सेल्फ ऑल्सो गाइज। ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह सेम टीम बनाओ, एक आधा चेंज करो, अगर आपको एक आधे चेंज में ज़बरदस्त जीत मिलती है तो करो, मुझे खुशी होगी। और आगे से मैं तो अभी यही ले रहा हूँ। और आगे से बात करूँ सेंटर की, डब्ल्यू रियड अपनी टीम का जो सेंटर पोजीशन होती है वो संभालता है, और डब्ल्यू रियड आज के मैच में काफ़ी लोगों का वाइस कैप्टन रहने वाला है, क्योंकि डब्ल्यू रियड एक खतरनाक ओवर
अपरम पारी पेरी पारी खेलता है गाइस। और आगे से बात करूँ डी एपिक की, डी एपिक को भी लेना चाहते हो तो इसको अगर आपने लेना है तो जाओ, सेफ है, वरना आप इसकी जगह ट्राई कर सकते हो डी निकोलिक को। मैं फिर कह रहा हूँ जो मर्जी स्टार्टर फाइव में हो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ऊपर से बड़ा प्लेयर ही निकालना है, ये भी कॉम्बिनेशन बेस्ट है। लेकिन ये मेरी टीम है। बात करूँ कैप्टन की, एसपी रहने वाला एन बैरिक एंड वाइस कैप्टन डब्ल्यू रियट। तो ये रही मेरी टीम। मैं गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।